राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने प्रसिद्ध देवी श्री लालभाई फूलभाई माताजी मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को नवरात्रि और दशहरे पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, नवरात्रि समिति अध्यक्ष हरिओम यादव, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सचिन गुप्ता मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। लालभाई फूलभाई माता मंदिर पर प्रथम आगमन है, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं माता जी से ये प्रार्थना करूँगा कि मेरे देशवासियों को सुख समृद्धि के साथ खूब तरक्की करें और देश की उन्नति में माता जी हमेशा सब 130 करोड़ जनता के साथ में रहें, उनका आशीर्वाद बना रहे और साथ में देशवासियों को माँ नवरात्रि के पर्व के साथ में आने वाली विजयादशमी पर्व और दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं इस धार्मिक आयोजन के अवसर पर आस्था के इस केंद्र माता लालभाई और फूलभाई के मंदिर में आया हूँ। यहाँ के भक्तजनों ने मुझसे बहुत सारे अच्छी बातें भी कही है, लेकिन आग्रह भी किया है कि कुछ व्यवस्थाएं मंदिर परिसर में होना चाहिए। मैं निमाड़ का बेटा हूँ और निमाड़ से राज्यसभा का सांसद बनकर दिल्ली गया हूँ। इस मंदिर परिसर में लगने वाली सुविधाओं के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा, तत्पर रहूँगा। आप जो भी मुझसे अनुरोध करेंगे वो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए माता के दरबार में हमेशा हाजिर रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।